या साइड पे कर लें या ऊपर कर लीजिएगा, अम्मी की बात होगी। ओके पहला सवाल, ये सवाल जो है सबके लिए कॉमन है, कौन सी अम्मी की पेशेंट गोई अक्सर दुरुस्त साबित होती है? फॉर एग्जाम्पल माँ जैसी या कौन सी अम्मी, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये हमारी एक्चुअली मेरी असल अम्मी की पेशेंट गोई हमेशा जो है वो जीतती थी। यहाँ पे क्या है, इनकी पेशेंट गोई सब अब आपकी अम्मी के बजाय इनकी पेशेंट बाजी की। हाँ और इधर क्या सीन है, इनकी पेशेंट पप्पो की। अच्छा दुनिया देखी हुई थी ना, तो फिर जाहिर है फिर वो तो समझाती थी तो सही होता था, सही होता था। और यहाँ वो सीनियोरिटी लेवल पे इनकी ठीक करनी पड़ेगी, चाहे गलत भी हो आप ठीक कह रही थी। अच्छा ओके, हम तो सीनियोरिटी लेवल पे नहीं कर रहे भाई। ओके नेक्स्ट, कौन सी अम्मी दिल की ज्यादा नरम है? मेरी तो भाई ये वाली अम्मी राधा, मेरी अम्मा तो थाने स्ट्रिक्ट थी हमारी। हाँ मेरी बहन दिल की नर्म है। अच्छा मेरी दोनों मम्मी भी और सब। अच्छा लेकिन मम्मी ज्यादा थी। नहीं आप भी बहुत नरम दिल है, ये फौरन हो जाती है, इन्हें गुस्सा आता है लेकिन गुस्से के थोड़ी देर के बाद साथ ही नॉर्मल हो जाती है, मतलब एकदम निकाल के गुस्सा फिर नॉर्मल हो जाता है। तो मम्मी तो निकालती भी नहीं, मम्मी निकालती भी नहीं। तुम बताओ सदफ भाई, दोनों ही हैं, दोनों नरम दिल की हैं, कड़ाके वाली डांट के किसके पर। नहीं 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 दोनों, मैंने तो आज तक अपने बच्चों से किसी आपके बोलने में भी ऐसा फील नहीं। लेकिन ड्रामो में भी डांट, बच्चे हमारी बेइज्जती कर देते हैं। सच कैसे बोल रही है, ये ड्रामा नहीं है, ये ताना सुना बड़ा। सच मुझ और मेरा मियाँ तो ऑलवेज यही कहता रहता है, सुनो तुम घर आ गई हो अपने ड्रामे छोड़ कर आओ। ये तो सुना सुना यार, ये तो मेरे बच्चे भी कहते हैं ये तो यार इतनी बेइज्जती होती है ना। मैंने कहा यार हम वहाँ इतना सब कुछ वो करते हैं, लोग इतना मिलकर, तुम लोगों की नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। अच्छा हम लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं ना, तो वो हमारे इमोशंस को ये ऐसे ले जाते हैं। अच्छा हम लोग वैसे इमोशनल होते भी बहुत हैं क्योंकि इतने सेंसिटिव हो चुके हैं अब के बात बात पर मेरी तो आंख में आंसू आ जाता है, जो कभी नहीं आता। मेरी आंख में आंसू नहीं आता। इसका मतलब है आप सही वाली आ गए, मेरे आप आके बहुत ज्यादा बहुत सेंसिटिव हो। लेकिन ये कि आप अपनी फैमिली के साथ तो नेचुरली इमोशनल हो और होते हैं ना, वो एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो जो भी ड्रामों में काम करता है उसको रियल फैमिली से सुनने को ये मिलता है जुमला, ड्रामे मत करो, ड्रामे मत करो, सुनने को मिलता है ये कह रहे हैं। नहीं नहीं हम भी आपको जब आप थोड़ी इमोशनल हुई होती है ना, हाँ कहते हैं कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं, ताने बाजी नहीं करती, ये बहुत अच्छा है, वैसे बहुत प्यारा है, दिल का बहुत अच्छा है। तो क्या खराबी क्या है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं, शरारती बहुत है। था अब नहीं, अब बड़ा हो गया, वैसे दिल का बहुत अच्छा है। ये वाला सवाल जो मैंने पूछा था कि कौन सी अम्मी का दिल ज्यादा नरम है, आपने बताना है। अगेन वो मुझे लगता है कि दोनों अगर सख्ती भी कर रही है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी बेहतरी के लिए कर रही है। वो तो सही है लेकिन आपने बताया कि खाला से, वैसे मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा डर जो था ना बचपन में, वो खाला तो नरम, फिर अम्मी का दिल हुआ ना। हाँ अम्मी से तो आप हैंडिया लगाने के लिए अम्मी इनका सहारा लेती थी, डांट लगाने के लिए, अम्मी से मार खाई भी है, मगर डर जो था वो खाला का ही था कि वो जरा काम खराब हो जाए। अच्छा किस अम्मी को पटाना आसान होता था या होता है? मेरी तो ये वाली अम्मी, मेरी अम्मी तो नाराज हो जाए तो वो तो फिर वो मानती नहीं, वो तो फिर खुद अपनी भी नहीं सुनती। जब सिंगम 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 मतलब एक जॉब करने वाली औरत और एक घरेलू औरत में थोड़ा सा फर्क हो। ये तो जॉब करने वाली नहीं, नहीं तुम्हारी अम्मा भी तो माशाल्लाह मेरी वैसे भी मेरी अम्मी जो थोड़ी सी लाइक डिसिप्लिन बहुत उनके अंदर था, वो चीजें फिर आपकी अलग मोहब्बत, वो एक अलग चीज होती है। नॉर्मल एक घरेलू औरत की मनती नहीं थी आराम से, जैसे होता है ना बच्चे आके मैं मिली बाद मिली भी एग्जैक्टली, तो वो खुद ही आराम से, पता नहीं कोई छोटी सी चीज उन्हें मना लेती थी और बड़ी से बड़ी चीजें कर लो वो नहीं कर। तो ये वाली अम्मा मेरी जल्दी मन जाती थी इस, ये भी काफी दिन तक नाराज रहती है लेकिन अगर जाके इसको दो चार पप्पे करो तो फिर ये सीधी हो जाती है। लेकिन ये प्यारी लगती है ना, ये बहुत जानू है, बिल्कुल अपने अब्बू की शक्ल है। हाँ, लेकिन भाई की शक्ल है। हाँ। मैंने तो इसके साथ इसकी प्रोडक्शन में काम भी किया है। मैं असिस्टेंट थी और पापा डायरेक्टर था। मैं अभी बता रही थी, मैंने कहा याद है तुम्हें, हम लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे जहाँ जहाँ से इसने काम किया उनके साथ। अच्छा अब यहाँ पे क्या सीन है, कौन सी किसको पटाना ज्यादा आसान है आपके लिए? मम्मी को, अपनी अम्मा को, क्योंकि ये मुश्किल से मानती नहीं, सबा बाजी भी मान जाती है लेकिन इन्हें कन्विंस करना पड़ता है। ओके अच्छा, इनको लॉजिक लॉजिक के साथ करना पड़ता है, लेकिन
मम्मी बहुत मासूम सी थी, फौरन मान जाती थी। कह रही है मासूम नहीं है, सबा बाजी एट द टाइम मतलब कभी कभी ना स्टबन हो जाती थी। हाँ। जैसे वो एक ना मम्मी मेरी तरफ से कोई डेकोरेशन पीस लेके आई। हाँ। तो सबा बाजी ने कहा कि मुझे ये पसंद है अम्मा, ये मुझे दे देना। हाँ। मम्मी ने जाके सेट कर लिया, तो मम्मी बाजी ने कहा कि मुझे ये पसंद है। मम्मी कहती है ये मेरे ना इस कॉर्नर पे ये अच्छा लग रहा है। बिगड़ गई, नाराज होकर घर चली गई। इतना बिगड़ी कि आपने ना किया क्यों? आपने ना, मुझे कहती मैं ना लेती, लेकिन आपने ना। मम्मी हंसे, मम्मी के मेरा बच्चा ये कोई चीज है जिसपे तुम नाराज हो रही? नहीं, आपने इनकार, जब मैंने कहा था ना आपको सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए था, आपको फौरन मुझे दे। मम्मी फिर अगले दिन वो चीज खुद इनके लेके घर आ गई। फिर यहाँ सोच के रखो सदर कि किसको बोलना है, कौन ज्यादा मनाने में आराम से मन जाता है, कौन नरम दिल है, दोनों। ये मैंने आपसे सवाल कर लिया था, जल्दी से बता दे इससे पहले ब्रेक पे जाने। दोनों ही है। तुम डर क्यों रही हो बहन? नहीं, दोनों, मुझे पता है तुम्हें बहरिया टाउन भी जाना है। दोनों अब इनसे ज्यादा नाराज नहीं हुई हूँ मैं। हाँ। तो अम्मी से तो होती रहती है। हाँ। तो अम्मी फौरन से मान जाती है। हाँ। इनसे मैं कभी हुई नहीं है तो मुझे ज्यादा पता नहीं, पता नहीं, ऐसे नहीं। बट ये भी नॉर्मल नहीं है, नरम मतलब इतना मनाना मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं, बहुत आसान। और यहाँ क्या सीन है? खाला से वही बात है कि यार सच कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कभी नाराज हुई है? जरूरत की है सवाल, ये जरूरत की है कभी नाराज हुई? हिम्मत हुई कभी नाराज? हाँ, ये भी एक पॉइंट है, कैसे नाराज हो जाएंगे।